नमस्कार, मैं आशिकी वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री तो जरूर हैं, लेकिन कब उनसे उनकी गद्दी छीन ली जाए या फिर उनको उनकी गद्दी छोड़नी पड़े, इस पर लगातार सवाल जो है उठता जा रहा है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय से जेल में बंद है, कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है, सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, लेकिन सुनवाईयों का दौर अभी तक खत्म नहीं होगा। सुनवाईयों का आप देखें, किसी भी तरह से कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल का जेल में होना अब एक तरह से कहें तो उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया का नाम भी लगातार चर्चाओं में है। अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें, आपको याद दिला दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई थी, लेकिन सीबीआई का मामला अभी भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे, इस पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नजर है विधानसभा चुनाव पर, जो 2025 में होने वाले। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाएगी, क्या कोई रणनीति है भी या नहीं, इस पर भी लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया था कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद ऐलान साफ तौर पर हो गया था कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी के साथ लड़ेगी। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम साबित हो पाएगी, जो स्थिति जिससे में अरविंद केजरीवाल की हो रखी है, जिससे आम आदमी पार्टी की हो रखी है, मुख्य चेहरा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास मौजूद नहीं है, तो क्या इस गैर मौजूदगी में, क्या इस जो पूरी घटना कहीं ना कहीं हो रखी है, तो जो संभावित स्थिति कहीं ना कहीं बन रखी है, क्या इस संभावित परिस्थिति को बदलने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, क्या अरविंद केजरीवाल को लेखन करने के खाते नजर आएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई औपचारिक मोहर लगती नजर आएगी या नहीं, ये लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। आपको बता दें, अब अरविंद केजरीवाल की सुनवाई का दौर भी कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। 17 जुलाई को भी अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होने जा रही है, और आखिरी इन सुनवाई के दौर में अरविंद केजरीवाल की रिहाई होनी है या नहीं होनी है, ये आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी बड़ा फैसला आएगा, ये अहम फैसला होने जा रहा है। और इसी बीच सिसोदिया की जमानत आज खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन इस याचिका के तहत क्या मनीष सिसोदिया भी रिहा होंगे, अरविंद केजरीवाल भी रिहा होंगे, तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस बात क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, दोनों की रिहाई आपको कैसे होगी, कब होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।